नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं मेरा साथ इंडिया विद विलंबर। साथियों चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजा कर रखिए। साथियों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंपनी का इंटरव्यू लेकर आया हूं, है ना। दुबई में यह कंपनी है ADNOC, ठीक है ना। दुबई भर में मतलब दुबई के हर एक स्टेट में यह कंपनी है, ठीक है ना। दुबई में हर एक जगह ये कंपनी है, ठीक है। तो साथियों ADNOC कंपनी का इंटरव्यू आया है, आप देख सकते हैं। जो दुबई में होंगे उनको तो मालूम ही होगा ADNOC कंपनी, जो अगर नहीं मालूम होगा तो आप जान लीजिए ये कंपनी बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। इस कंपनी का इंटरव्यू आया है अबू धाबी के लिए, ठीक है ना। तो इस कंपनी का इंटरव्यू हमारे इंडिया में बिहार में पटना में है, ठीक है। तो मेरे बिहार वाले जो भी भाई हैं या जो पहुँच सकते हैं पटना में, वो इंटरव्यू दे और इस कंपनी में आए, ठीक है ना। साथ ही ये कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, यहाँ पे आप दुबई में देख सकते हैं। जो भाई होंगे उनको पूरा तरह से मालूम होगा कि ये ADNOC कैसा कंपनी है, है ना। पेट्रोल पंप आप देखते होंगे जो दुबई में होंगे, है ना। पेट्रोल पंप का पूरा मतलब डीजल पेट्रोल का पूरा काम होता है इसमें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन का भी काम होता है, ठीक है ना। तो हर एक काम होता है इस कंपनी में, ठीक है, ADNOC में। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ट्रेड है और कितने बंदे चाहिए, क्या क्या सैलरी लगाया है, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और बार बार ऐसा कंपनी का इंटरव्यू नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इंटरव्यू दीजिए और आइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों ADNOC कंपनी में आपका ट्रेड इस प्रकार है, इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल चाहिए, ठीक है, जिसका सैलरी आपको 1600 प्लस खाना कंपनी देगा, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल चाहिए, 1400 प्लस खाना कंपनी का है, 1400 आपको देगा और उसके बाद खाना भी देगा, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल फोरमैन चाहिए, 2300 उसका सैलरी होगा, उसके बाद प्लस में खाना होगा। उसके बाद पाइप फिटर चाहिए, 1200 से लेकर के 1400 तक आपको सैलरी मिलेंगे, आपके काम के ऊपर है, उसके बाद कंपनी का खाना है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल टेक्निकल है, इसका भी सैलरी 1600 से 1800 है, उसके बाद प्लस कंपनी का खाना है, ठीक है, हाँ। इसका बाद है आपको असिस्टेंट मैकेनिकल टेक्निकल, ये भी 1400 सैलरी है, उसके बाद खाना है कंपनी का। उसके बाद है मैकेनिकल फोरमैन चाहिए, 2300 तरह सैलरी है, ठीक है। उसके बाद HVAC टेक्निकल चाहिए, इसका भी सैलरी 1600 से 1800 है, प्लस कंपनी का खाना है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल टेक्नीशियन, ठीक है, इसका भी सैलरी 1600 से 1800 द्वारा में प्लस में कंपनी का खाना है। उसके बाद GRP इंसुलेटर, ठीक है, इसका सैलरी 1200 है, प्लस कंपनी का खाना है, ठीक है। उसका बाद आता है RO प्लांट ऑपरेटर, RO प्लांट का ऑपरेटर चाहिए, ये आपके काम के ऊपर है। उसके बाद पेस्ट कंट्रोलर टीम लीडर चाहिए, उसके बाद पेस्ट कंट्रोलर टेक्नीशियन चाहिए, उसके बाद स्ट्रे एनिमल टीम लीडर चाहिए, उसके बाद स्ट्रे एनिमल टेक्नीशियन चाहिए, उसके बाद टीम लीडर क्लीनिंग चाहिए, उसके बाद लेबर चाहिए, लेबर का सैलरी 800 प्लस खाना है, उसके बाद क्लीनर है, क्लीनर का सैलरी 800 प्लस में कंपनी का खाना है, ठीक है। साथियों यह कंपनी ADNOC का इंटरव्यू जो है पटना में है, 16 तारीख को है, ठीक है। आप जा सकते हैं तो जाकर इंटरव्यू दीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ ऑफिस का, ठीक है, हाँ। ये तो ये अच्छा कंपनी है, ठीक है साथियों, तो आप जाकर के इंटरव्यू दीजिए। साथियों इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात बताया गया है नीचे में, कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपको, 8 घंटे ड्यूटी है, उसके बाद फ्राइडे छुट्टी है, ठीक है। उसके बाद इसमें बंदे सिर्फ GCC एक्सपीरियंस वाले चाहिए, मतलब बोले तो गल्फ रिटर्नर ही चाहिए, ठीक है ना, नए बंदे नहीं चाहिए, पुराने बंदे ही चाहिए। जो गल्फ का रिटर्नर हो, जो दुबई का रिटर्नर हो या और कहीं का भी रिटर्नर हो, ठीक है ना, तो वही बंदे जा सकते हैं। जो गल्फ का रिटर्नर हो वही बंदे जाएं, दूसरा नए बंदे को नहीं लेगा कंपनी। फिर भी आप एक बार ऑफिस वाला से बात कर लीजिए, हो सके कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना, हाँ। तो ये कंपनी का इंटरव्यू बहुत अच्छा है, आप जाइए इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। तो ये ADNOC बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है ना, आप जाइए इंटरव्यू दीजिए। देखिए सैलरी भी अच्छा बताया है, कंपनी का खाना है, अभी क्या चाहिए बोलिए, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में, है ना।
आप यहाँ भी दुबई में होंगे तो यहाँ से भी आप जाने का प्लानिंग कर लीजिए, जाकर के पता करिए, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।